हे दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म इन अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? 5 से 10 साल का टाइम तो लगेगा ही। प्लस और एक चीज लगता है जो एक्सपर्ट आपको नहीं बताते हैं, वो है ट्रेंड्स, मतलब पानी किस दिशा में बह रहा है। जो लोग ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते उसे अंधा इन्वेस्टर कहते हैं। अगर आज आप इन्वेस्ट करोगे और 5 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट दोगुना रिटर्न देगा, इसका कोई गारंटी है नहीं। बट अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो करके इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न दोगुना या 5 गुना हो सकता है। जैसे ऑयल आज एक बहुत वैल्यूएबल एसेट है, खासकर एशियन कंट्रीज में। लास्ट 30 सालों में हमारा देश मोस्टली वेस्टर्न कल्चर में आ गया है। घर घर में बाइक और कार है जो ज़्यादातर चलता है ऑयल से। तो जिसने भी 30 साल पहले ऑयल पे इन्वेस्ट किया था, आज वो उसका प्रॉफिट ले रहा है। उसने बंद आंखों से इन्वेस्ट नहीं किया था, ट्रेंड्स को फॉलो किया था। जब 2007 में मार्केट क्रैश हुआ तो बहुत लोग रोड पे आ गए थे, पर वो लोग जिसने भी ट्रेंड को फॉलो किया था वो अपने आप को संभाल पाए थे। पर इस ऑयल में अब इन्वेस्ट करके कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि 2030 तक ज़्यादातर बाइक और कार इलेक्ट्रिक हो जाएगा। टेस्ला ने यह अपॉर्चुनिटी देखा था और कार कंपनी इस्टेब्लिश कर दिया, जो आगे जाके शायद सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन सकता है। या जिसने भी सोलर सिस्टम का कंपनी चालू किया है, अगर वो टिका रहा तो आने वाले सालों में बहुत जल्दी बहुत ऊपर पहुँच सकता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो रहा है। सेम चीज़ गोल्ड में भी था। 1970 में गोल्ड का प्राइस उतना हाई था नहीं, पर जब 1985 आया और लोगों को पता लगा गोल्ड के ट्रेंड्स के बारे में, तो लोग एग्रेसिवली गोल्ड खरीदने लगे और गोल्ड का प्राइस आसमान छूने लगा। पर ये ज़्यादा दिन टिका नहीं, 1987 में मार्केट क्रैश हो गया और फिर गोल्ड का प्राइस नीचे आ गया। पर गोल्ड वहाँ रुका नहीं, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा और आज तो बहुत हाई लेवल पे है। जिन्होंने भी 1970 में गोल्ड पे इन्वेस्ट किया था, मार्केट क्रैश से पहले वो मिलियनेयर बन चुके थे, और जिन्होंने मार्केट क्रैश के बाद गोल्ड पे इन्वेस्ट किया था वो आज मिलियनेयर हैं। पर दोस्तों, आज गोल्ड में इन्वेस्ट करके भी कोई फायदा होगा नहीं। थोड़ा फ्लैक्चुएशन है, पर उससे क्या होगा, 2-3 हज़ार के डिफरेंस से काम नहीं बनेगा। तो ऑयल और गोल्ड दोनों आउट। अब बारी है सिल्वर की। सिल्वर एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद सिल्वर का प्राइस हाई हो जाएगा। आजकल सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे सिल्वर यूज हो रहा है, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, टेलीविजन, कैमरास, सब पे, जो सिल्वर को एग्रेसिवली कंज्यूम कर रहा है। जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा, सिल्वर की डिमांड बढ़ेगा और उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ेगा, और शायद किसी दिन ये गोल्ड को पार कर जाए। 2007 का एक रिपोर्ट कहता है इस दुनिया में बस 300 मिलियन आउंस सिल्वर है, जो 2020 में ख़त्म हो जाएगा, और सिल्वर गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। आज तक जितना भी गोल्ड लोगों ने माइनिंग करके निकाला है, उसका अबाउट 95% गोल्ड अभी भी इस दुनिया में है। गोल्ड का प्राइस बस कुछ बिजनेसमैन की वजह से ऊपर है, उन्होंने गोल्ड को एक बहुत ही कम मिलने वाली धातु में बदल दिया है, जैसे उन्होंने डायमंड को किया है। डायमंड तो और भी कम मिलता है। सिल्वर में इन्वेस्ट करना सही हो सकता है, पर यह सब कुछ प्रेडिक्शन है, कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा, तो खुद एक बार रिसर्च कर ले फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट ट्रेंड है हाउसिंग, जो सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से। ये जो सारे कमोडिटीज है जैसे गोल्ड, इसका दाम हाई होने का एक वजह है घर की डिमांड। ये गोल्ड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से पूरा जुड़ा हुआ है और देश का इकोनॉमी भी इस गोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी खड़ा कर रहा है। आपको पूरे दुनिया की इकोनॉमी पर ध्यान देना होगा। अगर आप एक अल्टीमेट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो बस अपने देश की इकोनॉमी को देखने से काम नहीं बनेगा, और गोल्ड सबसे आसान तरीका है दुनिया की इकोनॉमी को ट्रैक करने के लिए। आज इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, हर एक को माथे के ऊपर छत चाहिए, जिससे घर का डिमांड बढ़ रहा है। लोगों के पास अफोर्डेबल घर नहीं रहेगा, क्योंकि उसका प्राइस हाई है। उनको घर भाड़े पे लेना ही होगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर एक इन्वेस्टर के लिए
एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है पैसा बढ़ाने के लिए। जो इन्वेस्टर ऐसे मौकों का फायदा उठाएंगे और घर भाड़े पे देंगे तो कोई भी मार्केट क्रैश उनको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, जैसे 2007 की मार्केट क्रैश लोगों को रोड पे ले आया था। कुछ एक्सपर्ट ने एक प्रेडिक्शन किया था कि 2018 और 2025 में मार्केट बहुत नीचे आ जाएगा। 2018 की प्रेडिक्शन तो सही साबित हुआ, शायद 2025 का भी हो जाए। इन्वेस्टर्स मार्केट क्रैश को पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी होता है, उनको कम दाम में बहुत अच्छा अच्छा एसेट मिल सकता है। रियल एस्टेट हमेशा टिका रहेगा क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा ग्रो करेगा, कभी घटेगा नहीं जब तक थैनोस सबको ख़त्म ना कर दे। पर सिल्वर का कोई भरोसा है नहीं, बहुत ऊंचा उठ सकता है या बहुत नीचे। जो सिल्वर यूज़ करके आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बन रहा है, शायद उनको बनाने में फ्यूचर में सिल्वर की ज़रूरत ना पड़े। सिल्वर के बिना ही गैजेट बन सकता है, किसे पता कल किसने देखा है। बुद्धिमानी इसमें होगा कि आप ट्रेंड्स को फॉलो करें और उसको फॉलो करके ही इन्वेस्ट करें, आप सही दिशा में जाओगे। अगेन, ये इन्फॉर्मेशन एक प्रेडिक्शन है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी। फॉलो द ट्रेंड्स बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये सारी बातें मैंने कुछ बुक्स प्लस कुछ पॉपुलर वेबसाइट से बताया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो इसे अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में।